सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो का थंबनेल टाइटल देखिए, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पर ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप सब फ्री फायर खेलते हो तो आपने ट्वेंडी गेमर नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आप लोग ट्वेंडी गेमर के बायोग्राफी, उनके सक्सेस स्टोरी, उनके लाइफ में हुए अप्स एंड डाउन्स, उनका इनकम, उनका गर्लफ्रेंड, उनका लव लाइफ, उनका बच्चा, सब कुछ, उनका फैमिली, उनका एजुकेशन, स्ट्रगल और दुख भरे दास्तान सुने क्या? तो आज हम आप सबको बताएंगे ट्वेंडी गेमर के सक्सेस स्टोरी और उन्होंने क्या क्या दुख दर्द झेला है, वो यहाँ तक कैसे आए सब कुछ बताएंगे। आपको बता दूं कि ट्वेंडी गेमर का स्टोरी सबसे अलग है और सबसे इमोशनल भी है और यूनिक भी है। सो मेरे नेपाली भाइयों को मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि वीडियो हिंदी में है तो मेरे को हेट ना दे, क्योंकि ट्वेंडी गेमर का फैन इंडिया में भी है तो उनको पता चले ट्वेंडी गेमर का स्टोरी के बारे में। सो वीडियो हिंदी में बनाए। सो ज्यादा बकचोदी करे बिना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग ट्वेंडी गेमर के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। ट्वेंडी गेमर, असल जिंदगी में ट्वेंडी गेमर का नाम सरजू गिरी है। जब ट्वेंडी गेमर ने फर्स्ट टाइम चैनल खोला और फ्री फायर खेलने लगे थे तब उनका नेम था सरजू गिरी रखे थे वो, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वेंडी गेमर बना दिया। इसके पीछे का एक कहानी है तो मैं आपको बताता हूँ। पहले फ्री फायर में नेपाल पे डायमंड टॉप करना बहुत मुश्किल होता था। उस वक्त एक पाइंट्री का इवेंट आया था जिसमें से डायमंड फ्री में मिलता था। उस टाइम पे फ्री फायर पे स्टाइलिश नेम का ट्रेंड आया था, आप लोगों को मालूम होगा या नहीं, लेकिन स्टाइलिश नेम का ट्रेंड आया था और ट्वेंडी गेमर को भी नेम चेंज करना था स्टाइलिश में, लेकिन उनको नेम मालूम नहीं था क्या रखूं। आपको बता दूं ट्वेंडी गेमर को बचपन से ही मूवी का शौक है और उस टाइम पे पास्ट पे एक मूवी आया था, नवाजिन सिद्दीकी का गैंजिज्म ऑफ वासीपुर नाम का कोई मूवी था। उस फिल्म का एक्टिंग ट्वेंडी गेमर को बहुत पसंद आया। उसके बाद उन्होंने उस फिल्म के एक्टर को चारों तरफ फॉलो किया, उनसे इंस्पायर्ड हुए। कुछ समय बाद नवाजिन सिद्दीकी का एक सीरीज आया था, मतलब सेक्रेट गेम्स नाम का एक सीरीज आया था, उसमें से नवाजिन सिद्दीकी गणेश गायतोंडे का रोल किया था उन्होंने। तो ट्वेंडी गेमर को बचपन में सब लोग गणेश बोलते थे घर पे, तो उसी से वो लोग गाय ट्वेंडी का नाम रखने पे इंस्पायर्ड हुए। तो अभी बात करते हैं ट्वेंडी गेमर ने फ्री फायर खेलना कैसे शुरू किया। मैं आपको बता दूं, शुरू में ट्वेंडी गेमर को कोई गेम से में इंटरेस्ट नहीं था, वो लोग सिर्फ पढ़ना चाहते थे, उनको गेमिंग में इंटरेस्ट ही नहीं था और वो कभी भी गेम नहीं खेलते थे। लेकिन काठमांडू में पढ़ते वक्त क्या होता था, मतलब कि उनका फैमिली कंडीशन उतना अच्छा नहीं था तो उनको काम के साथ साथ पढ़ाई भी करना पड़ता था, मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ उनको अपने उसके लिए काम भी करना पड़ता था फैमिली के लिए, उनको खुद कमाना पड़ता था और खुद पढ़ना पड़ता था। लेकिन कमाने के चक्कर में क्या होता था, मतलब कि कमाने के चक्कर में उनको काम का प्रेशर होता था और पढ़ाई का भी प्रेशर होता था, खुद काम भी करना पड़ता था और पढ़ाई भी अच्छा नहीं होता था। काम की वजह से पढ़ाई को इफेक्ट पड़ता था और पढ़ाई की वजह से काम को इफेक्ट पड़ता था, तो उनका मन भर गया था, वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे थे, वो पूरा डिप्रेस्ड हो चुके थे, डिप्रेशन में थे वो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्हें अपने हॉस्टल पे एक बच्चे को फ्री फायर खेलकर बहुत खुश हुआ हुआ देखा। वो लड़का बोया बोया करके चिल्लाते हुए खुश हुआ था, तो ट्वेंडी गेमर ने उसको देखकर सोचा ऐसा कैसा गेम है जिसको खेलकर बोया बोया बोल रहा है, बिल्कुल पागल की तरह सब कुछ भूल रहा है, उसके मुंह पे कुछ अलग सा ही चमक है, वो सब कुछ भूल रहा है, इतना खुश कैसे हो सकता है कोई गेम खेलकर। वही देखकर ट्वेंडी गेमर ने भी खेलना शुरू किया और उनको भी बहुत खुशी मिली। वो होता है ना दुख दर्द, वो लोग सब कुछ भूल गए, पूरा प्रेशर श्रेशर सब कुछ भूल गए, वो गेम में इतना डूब गए ना, वो पढ़ाई सढ़ाई काम गाम सब कुछ छोड़ दिए। उस वक्त ट्वेंडी भाई टोटली क्रेजी हो गए थे, उनके माइंड में पढ़ाई वाला काम वाम कुछ नहीं आया था, उनका ड्रीम था यूट्यूबर बनूंगा, फ्री फायर खेलूंगा, गेम खेलूंगा, बैठूंगा मैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट था गेम में। जब भी गेम खेलते थे सब कुछ भूल जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे। तो सोचने लगे, मैं इसमें इतना एक्साइटेड हूँ, इतना एक्साइटमेंट दिखाता हूँ, तो मैं अगर इसको ही प्रोफेशन बना लूंगा तो मैं इतना खुश रहूंगा, ये सोचने लगे। उसके बाद वो अपने घर गए, उनके पास 4GB का एक पीसी था, उसी से उन्होंने गेम खेलना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा एडिट करके वीडियो डालने लगे। एक सीए पढ़ने वाला लड़का फ्री फायर खेलने लगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगा, कोशिश करता गया, हार नहीं माना, कोशिश करता गया, वीडियो बनाता गया, हेट सहता गया, दुख दर्द सहता गया, हार नहीं माना, ताना सुना, फिर भी सबको रॉन्ग प्रूफ करता गया, खुद को प्रूफ करता गया। अरे भी वो नेपाल का वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग क्रिएटर है। अभी बात करते हैं ट्वेंडी गेमर के इंस्पिरेशन के बारे में। ट्वेंडी गेमर अपने इंस्पिरेशन मानते हैं बिस्सो मगर को, एशियन गेमिंग को और खास करके ज्ञान भाई को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। ज्ञान भाई को सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मानते हैं ट्वेंडी गेमर, क्योंकि पास्ट में ट्वेंडी गेमर सोनीता, बिस्सो मगर, एशियन गेमिंग और ज्ञान भाई का वीडियो देखते थे। वो ज्ञान भाई को देखकर इंस्पायर्ड हुए, क्योंकि एक ऐसा बंदा गेमिंग खेलकर भी गेमिंग में फ्यूचर बनाकर बैठा है, तो उन्होंने ज्ञान भाई को देखकर उनसे इंस्पायर्ड हुए। बाद में बिस्सो भाई के साथ थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट हुआ, उसके साथ खेलते गए। अभी ट्वेंडी गेमर नेपाल के वन ऑफ द
बिगेस्ट गेमिंग क्रिएटर है फ्री फायर के। अभी बात करते हैं टोंडे भाई को सबसे ज्यादा गेमिंग के लिए यूट्यूबर बनने के लिए किसने सपोर्ट किया। तो टोंडे गेमर को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया उनके भाई राजूगिरी ने। वो बोलते थे भैया ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, आप करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बोलकर हमेशा टोंडे गेमर को मोटिवेट किया और तो और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। तो टोंडे गेमर के भाई राजूगिरी के नाम पे एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो अभी बात करते हैं टोंडे गेमर के इनकम के बारे में। तो हमारे टोंडे भाई का मंथली एस्टिमेटेड इनकम होता है $13,000 से $207। तो अभी बात करते हैं टोंडे भाई के ईयरली एस्टिमेटेड अर्निंग के बारे में, वो होता है $115,500 से $2.5 million। अभी बात करते हैं टोंडे भाई के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। तो आप सबको बता दूं कि टोंडे भाई ऑलरेडी मैरिड हो गए और उनका एक बच्चा भी है। हाँ, टोंडे भाई का एक बेटा है, कितना साल का है तो मालूम नहीं क्योंकि मेरे पास उसका बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 2 से 5 साल तक का होगा सर। तो आप लोग कितना एक्साइटेड हो, अभी 4-5 साल के अंदर हमको छोटा टोंडे गेमर गेम खेलते हुए देखने को मिलेगा। तो छोटे टोंडे गेमर के नाम पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी बात करते टोंडे भाई बचपन में कैसे थे। बचपन में हमारे टोंडे गेमर बहुत ही शरारती और नट्टी थे, बहुत शरारत करते थे, सबको सताते थे। एक बार तो भागकर इंडिया जाने के लिए भी निकल गए। तो आप लोगों को टोंडे गेमर का स्टोरी कैसा लगा? अगर आप लोगों को टोंडे गेमर का स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना और ये स्टोरी प्लीज टोंडे भाई तक पहुंचा देना। देखो भाई, टोंडे भाई ने तो मेहनत किया हो तो सक्सेसफुल हो गए, हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं, हमको भी सपोर्ट चाहिए भाई। और इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पे आकर हमको फॉलो कर लो। अगर आप लोगों को ऐसा ही वीडियो चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, वीडियो टोंडे गेमर तक पहुंचा देना, हमको एक प्यारा सा टोंडे भाई का कमेंट चाहिए। और अगर तुम लोगों को थंबनेल एडिटर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। इट्स डाइनो नाम का एक बंदा है जो थंबनेल एडिटर। सो आज के लिए इतना ही, मिलती है अगले वीडियो पे। चैनल को नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो टोंडे भाई तक पहुंचा देना। सो खत्म।